नदी है कि यहाँ पर कमल अच्छे अच्छे कमल कमल फूल सिंगाड़े विंगाड़े सब उगते, इतना अच्छा लगता है उधर से, तो उधर कितना अच्छा लगता है। और यहाँ पर पूरा ये गंदगी ऐसी, इतनी पाँच पाँच छः छः गाड़ियाँ रोज आती हैं, एक एक दो दो महीने तक क्या, एक एक दो महीने से आ रही हैं, और पूरा अपन नगर निगम वाली। भोपाल के जोन क्रमांक 17 में सफाई को लेकर इस कदर अनियमितता बरती जा रही है कि ऐसा लग रहा है जैसे नगर निगम लोगों के साथ मजाक कर रही है। कहते हैं ना कि करनी और कतनी में बहुत फर्क होता है, बस यह कहावत भोपाल के नगर निगम पर बिल्कुल सही बैठती है, क्योंकि नगर निगम कहता है कुछ है और करता कुछ और है। दरअसल भोपाल के जोन क्रमांक 17 का पुराना तालाब, जिसे नगर निगम के अधिकारियों द्वारा कचरे से भरा जा रहा है। बता दें कि यह तालाब इतना बड़ा है कि शहर के कई जगहों से कचरा लाकर इसमें भरा जा रहा है, साथ ही अपनी करनी को छिपाने के लिए इसमें ऊपर से अधिकारी मिट्टी भी डाल रहे हैं। बता दें कि यह खेल नगर निगम के बड़े अधिकारियों की मिलीभगत से चल रही है। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि नगर निगम की 4 से 5 गाड़ियां इस तालाब में कचरे को डालने आती है, जिससे वातावरण को काफी नुकसान पहुँच रहा है। शहर के बीचों बीच इस तालाब को कचरा का बड़ा घर बना दिया गया है, जिससे बीमारियां भी पनपने का खतरा है। लेकिन इससे यह सवाल उठता है कि आखिर यह चल क्या रहा है और इसके खिलाफ किसी तरह की कोई एक्शन क्यों नहीं लिए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि आखिर कमिश्नर इस पर कब एक्शन लेते हैं और इसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। यहाँ पर एचओ दारोगा को भी बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो यह काफी गंभीर मुद्दा है और प्रशासन को तुरंत इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, ताकि शहर की सफाई व्यवस्था सुधर सके और पर्यावरण साफ और स्वच्छ बना रहे।